हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिलीट कर सकते हैं सेंसिटिव डेटाज एंड फाइल्स परमानेंटली अपने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क से बहुत इजीली एंड फास्ट। आप अपने कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं एक रिकवरी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप अपना ब्राउजर ओपन करिए एंड देन सर्च करिए डाउनलोड फाइल श्रेडर। देन फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। आप स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड फाइल श्रेडर पे क्लिक करिए। देन सेव पर क्लिक करिए। देन फाइल श्रेडर के सेटअप पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट को सिलेक्ट करिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन को सिलेक्ट करिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन इंस्टॉल पे क्लिक करिए। देन फिनिश पे क्लिक करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइल श्रेडर हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप अपने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी कार्ड के फाइल्स एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आपको डिलीट करना है परमानेंटली। जैसे कि मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव डी के फाइल्स एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट किया है। देन ओपन पे क्लिक करिए। देन आप श्रेड फाइल नाउ पे क्लिक करिए। देन ओके पे क्लिक करिए। हमारी फाइल सक्सेसफुली परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। अगर आपको अपनी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क से पुराने डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर को रिकवर करने से बचाना चाहते हैं तो आप श्रेड फ्री डिस्क स्पेस पे क्लिक करिए। यहाँ से आप पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव को सिलेक्ट करिए। सिक्योर एल्गोरिदम में आप बॉटम के 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन स्टार्ट पे क्लिक करिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग आपके पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर एसडी कार्ड का साइज कितना बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन कमेंट बिलो।